हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में, जानेंगे कि किन कारणों से हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है और साथ ही बीपी लो होने के लक्षण या सिम्टम्स को भी इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कुछ ऐसे होम रेमेडीज जिनसे हम तुरंत ही अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं। ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रीजंस ऑफ लो ब्लड प्रेशर। ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है और ब्लड के फ्लो होते समय वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर लगता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 120 बाय 80 mmHg होती है, जिसमें 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू नॉर्मल रेंज से घटकर 90 बाय 60 या उससे भी कम आए तो हम उसे लो ब्लड प्रेशर के अंदर काउंट करते हैं। साथ ही हम इसे हाइपोटेंशन भी कहते हैं। यदि रीजंस या कारणों की बात करें तो कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होना, इमोशनली स्ट्रेसफुल रहना, विटामिन B12 या आयरन की कमी होना जिसके कारण ब्लड में कुछ डिफिशियंसीज होती हैं और जिससे ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है। साथ ही यदि हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स देख सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिसके कारण यदि कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हमारी बॉडी में है तो भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के होने के कुछ संकेत या लक्षणों को हम देखने वाले हैं कि किन लक्षणों को या सिम्टम्स को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। और ये सिम्टम्स हैं चक्कर आना, अचानक से बेहोश होना, कमजोरी फील होना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर ना होना जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं फ्यूजन सा दिमाग में रहना, और कई बार तो स्किन का येलो होना भी लो ब्लड प्रेशर के लक्षणों में से एक हो सकता है। होम रेमेडी टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर। ज्यादातर हमने सुना है हाई ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, लेकिन जितना हाई ब्लड प्रेशर हार्मफुल है उतना ही लो ब्लड प्रेशर को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए यदि हमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हमें उसका भी उसी तरह ध्यान रखना है जितना हाई का। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें लेकर हम लो ब्लड प्रेशर को तुरंत ठीक कर सकते हैं और या फिर धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 इज वाटर। जब हमने रीजंस ऑफ लो ब्लड प्रेशर देखा था तो उसमें एक मोस्ट कॉमन रीजन था डिहाइड्रेशन, और यदि डिहाइड्रेशन को ठीक करेंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही ठीक होगा। इसके लिए हम जितना ज्यादा पानी पिए उतना ज्यादा बेहतर है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी एक नॉर्मल रेंज है, इसलिए यदि आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ज्यादा से ज्यादा पानी को पिए से आप नेचुरली भी अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकें। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स। डिहाइड्रेशन के साथ यदि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो यह भी लो ब्लड प्रेशर का कारण है, और यदि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स को लेना काफी जरूरी है, जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोल। यह सॉल्ट, वाटर और मिनरल्स का एक सॉल्यूशन होता है। इस पाउडर को पानी में घोलकर यदि आप पीते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं, और यदि यह पाउडर अवेलेबल नहीं है तो हम नींबू पानी में शक्कर और नमक मिलाकर भी ले सकते हैं। साथ ही कुछ ना होने पर हम सिंपल पानी में नमक और चीनी की बराबर मात्रा मिलाकर भी यदि पिए तो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होने के लिए काफी है। इसको लेने से हमारे लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में क्विक रिकवरी मिलती है। साथ ही जब भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स देने के साथ साथ तुरंत ही पेशेंट को लिटा दें, जिससे कि एक लेवल पे आने से ब्रेन में भी ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहे, और उसके बाद उसको चाहे तो एक पैर को फोल्ड भी करें तो भी ब्लड की प्रॉपर सप्लाई पैरों से हटकर ब्रेन में जा सकती है, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी। नंबर 3 कॉफी। कॉफी में कैफीन होता है और यह ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली इंक्रीज होने में काफी मदद करता है। इसलिए यदि सडनली किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी जरूर दें, जिससे पी के उसके ब्लड में एक तुरंत पंप आएगा और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। तुलसी लीव्स। तुलसी का हमारे इंडियन कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यह लगभग हर घर में बड़ी आसानी से मिलती है। इसके कई सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं, इसलिए हमारे एल्डर्स तुलसी की पूजा के साथ साथ उसके 4 से 5 पत्तों को लगभग रोज चबाने की सलाह देते हैं, और यह छोटा सा नुस्खा हमें लो ब्लड प्रेशर में भी काफी काम आता है।
तुलसी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी होता है जो बीपी को मेंटेन करने में काफी मदद करता है। साथ ही तुलसी में यूजिनॉल नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हमारी मदद करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। यदि कभी भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो तुलसी के पत्तों को जरूर चबाएं। नंबर 4, विटामिन B12। विटामिन B12 या आयरन की कमी से भी कई बार हमें ब्लड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में वो सारी चीजें लेनी है जिससे B12 की कमी ना हो। इसके लिए हमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जरूर लेने हैं और साथ ही साथ यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और नॉन वेज प्रेफर कर सकते हैं तो एनिमल फूड जरूर लें, उसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन B12 से जुड़ी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर जरूर देखें। फ्रूट्स, वैसे तो सारे ही फ्रूट्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन यदि लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने की बात करें तो बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंज, कीवी आदि जैसे बेस्ट फ्रूट्स में काउंट होते हैं। वाटरमेलन में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए यदि इसे खाया जाए तो यह डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। और फ्रूट्स जैसे बनाना या ग्रेप्स में पोटेशियम की मात्रा काफी अच्छी होती है, इसलिए यदि लो बीपी है तो इंस्टेंटली बनाना या ग्रेप्स यदि हम पेशेंट को दें तो वो तुरंत ही ब्लड वेसल्स की वॉल को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी होता है और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर भी होती है। तो ये थी ऐसे कुछ होम रेमेडीज जिन्हें लेने से हम क्विकली रिकवरी तो कर ही सकते हैं, साथ ही जो फूड आइटम्स डिस्कस किए हैं उन्हें यदि हम डाइट में ऐड करें तो ये प्रॉब्लम से हम परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें। साथ ही आगे भी इसी तरह की वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।